चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे श्यामान हिंदी की। श्यामान हिंदी में पहला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द सही वर्तनी में लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 39, इसमें साथियों आपको क्लियर दिख रहा होगा कि प्रादुर्भाव या पदुर्भाव। तो साथियों इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं इसमें कि सब मिले जुले होते हैं, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस करके उसी को चूज करना है। तो साथ ही ऑप्शन नंबर भी इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 40वां, आली का पर्यायवाची भाव। आली का पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी। एक ही नाम के अनेक नाम हों, एक ही वस्तु के अनेक नाम हों, जिसे आली को हम सखी भी कह सकते हैं, सहेली भी कह सकते हैं और भ्रमरी भी कह सकते हैं। ये तीनों नाम ही आली के पर्यायवाची हैं। अगला कहेंगे 41वां, आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे। तो मेरे दोस्तों आरंभ से अंत तक को आधो पांत कहते हैं। क्या कहते हैं? आधो पांत। अगला क्वेश्चन है, जो मापा न जा सके उसे क्या कहेंगे। जो साथी उसका कोई तोड़ न हो या किसी का उसका अनंत न हो तो उसे कहेंगे मुझे मापा न जा सके, उसका कोई पता ही नहीं, तो वो हुआ अपरमेय। क्या हुआ? अपरमेय। 43वां क्वेश्चन कह रहा है, परंपरागत उक्ति को क्या कहेंगे। परंपरागत उक्ति को अनुश्रुति कहते हैं, जो परंपरा से चली आ रही है उसी को अनुश्रुति कहते हैं। 44वां कह रहा है, विलास में कौन सा प्रत्यय हुआ। विलास में प्रत्यय बताइए मेरे दोस्तों। साथियों प्रत्यय, तद्भव, तत्सम, शुद्ध वर्तनी, पर्यावाची, ये सभी क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं यूपी पुलिस के माध्यम से। विलास में प्रत्यय हुआ बिल धन आस बराबर विलास। इसका हम प्रत्यय तोड़ें या उपसर्ग तोड़ें तो इसका संधि पीछे जरूर करेंगे, तभी आपको पता चलेगा। तो विलास में प्रत्यय हो जाएगा आस। आगे बात करें यथाशक्ति में समास बताइए। देखिए यथाशक्ति में समास 6 प्रकार के होते हैं, आपको सभी को पता होगा। अभी भाव समास में हमेशा उपसर्ग का प्रयोग होता है, तत्पुरुष समास में कारकों का प्रयोग होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दुख समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। इनकी ये पहचान होती है। तो साथियों यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति में हमने जोड़ दिया यथा मतलब हमेशा शक्ति, यथावत शक्ति रहेगी। तो यहाँ पर अव्ययीभाव समास का उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अवरोध शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, विपरीत अर्थ क्या होगा। सॉरी, अवरोध का विपरीत अर्थ क्या होगा, विलोम। तो साथियों अवरोध का विपरीत होगा अनवरोध। क्या होगा? अनअवरोध। पहले तो अवरोध कर रहे थे हम, अब अवरोध नहीं कर रहे, ठीक है, अनवरोध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो आकाश में विचरण करता हो, जो आकाश में विचरण करता हो तो उसे कहते हैं खेचर। जो आकाश में विचरण करता है उसे खेचर कहते हैं, जो रात में विचरण करता है उसे निशाचर कहते हैं, जो दोपहर में विचरण करता है उसे रचनी चर कहते हैं। साथियों आगे नीता कपड़े धोती में क्रिया कौन सी होगी। नीता कपड़े धोती में क्रिया कौन सी होगी, इसमें क्रिया होगी सकर्मक क्रिया। आप कैसे बेहतर कह देंगे सकर्मक अकर्मक की। तो सकर्मक क्रिया में आप देखिए ऐसे हमने पढ़ा क्या लगाकर प्रयोग करेंगे। जैसे नीता क्या धोती है, तो यहाँ पर हमें आंसर मिला कपड़े धोती है। हम बोलते नीता धोती है तो क्या धोती है, इसमें नहीं पता, तो वह अकर्मक क्रिया होती है। जहाँ पर साथियों क्वेश्चन क्या क्या आ गई, हमें आंसर मिल जाए क्या धोती है, क्या कहती है, क्या करती है, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। बात समझ आई। निम्न में से साथियों आपसे पूछ ले मुख्य क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो आप लगाना दो प्रकार की मुख्य क्रिया होती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि दूध वाला रचना की दृष्टि से क्या आया। देखिए रचना की दृष्टि से शब्दों को तीन भागों में तोड़ा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक और योगरूढ़। तो रूढ़ शब्द का मतलब होता है वह शब्द जिसका खंड करने पर कोई अर्थ प्राप्त न हो। यौगिक शब्द होता है जैसे दो शब्दों को मिलाकर नया शब्द बने। जैसे योगरूढ़ का शब्द का मतलब होता है जो तीसरे शब्द की ओर इशारा करे, दो शब्द मिलकर तीसरे शब्द की ओर इशारा करें। या योगरूढ़ शब्द में ऐसे पहचान लो कि योगरूढ़ शब्द में हमेशा बहुव्रीहि समास का प्रयोग होता है। संकर शब्द दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। आगे मेरे दोस्तों रचना की दृष्टि से बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। दूध वाला में कौन सा होगा, तो साथियों आप टिक कर देना यौगिक होगा, क्योंकि ये दूध प्लस वाला बराबर दूध वाला। जैसे गर्दन उठाना किस मामले का अर्थ है, गर्दन उठाना मतलब पीछा छुड़ाना, नुकसान देना, बहस करना या प्रतिवाद। प्रतिवाद का मतलब होता है पछताना, प्रतिवाद मतलब पछताना, ठीक है, वाद विवाद करना। तो वहाँ पर गर्दन उठाना हो जाएगा प्रतिवाद करना। निर उपसर्ग किस में लगा हुआ है साथियों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। निर किस उपसर्ग शब्द में लगा हुआ है, निर उपसर्ग। देखिए हम इनका अर्थ करेंगे, खंड करेंगे, निस धन काम ये नहीं है, निस धन क्षय ये नहीं है, ने धन हत्या ये भी नहीं है, निर्धन भय ये होगा साथियों, निर्धन भय। तो यहाँ पर निर्भय में होगा निर उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है, जिसकी परीक्षा हो रही है उसे क्या कहेंगे, उसके लिए एक शब्द बताइए। साथियों आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने जाओगे, आपकी परीक्षा होने वाली है, तो आपको क्या कहेंगे, परीक्षार्थी कहेंगे। विद्यार्थी छात्र पढ़ते हैं, परीक्षक जो कॉपी को चेक करते हैं, शोधार्थी जो शोध करते हैं, तो परीक्षा देने वाले को परीक्षार्थी कहते हैं। अब कहते हैं धर्म विभाग में समास बताइए, धर्म विभाग में समास क्या हुआ। बाकी साथियों समास हम बात करते आए अभी, तो तत्पुरुष समास सभी में है, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में कर्म। देखिए किससे विमुख है, वो धर्म से विमुख हो गया है, धर्म के
खिलाफ चल रहा है, तो अपादान से धर्म के विमुख, मतलब धर्म से बहुत दूर हो चुका है, तो यहाँ पर अपादान से अलग हो चुका है, देखिए धर्म से विमुख हो चुका है अलग, तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। आगे बात करेंगे कि उदक, उदक का, उदक किस पर्याय शब्द का पर्यायवाची है, उदक साथियों जल का पर्यायवाची, जैसे जल है, नीर है, ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द हैं उदक के पर्यायवाची होंगे। निम्न में से दीर्घ संधि नहीं है, साथियों आपको बताना है कि चार ऑप्शन है आपके सामने, इसमें दीर्घ संधि किस में नहीं है, तो को धन शासन, वर्ष धन आद, कप्य धन ईस, इति धन आद, तो साथियों इति आद का संधि पूछेंगे इति धन आद, तो यहाँ पर होगी आपको यण संधि प्राप्त होगी, परंतु इसमें क्या है कुछ दीर्घ संधि नहीं, तो इत्यादि में नहीं होगी, इसके खंड करके देखना तो आप सभी में यही पहचान करेंगे कि दीर्घ इत्यादि में दीर्घ संधि नहीं है। अगला है संज्ञा तथा विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहती है, देखिए संज्ञा और विशेषण दोनों को मिलाकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर संज्ञा की बात करें विशेषण की बात करें तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नाम होते हैं, तो नाम धातु को ही नाम धातु क्रिया कहते हैं। अगला, यह आम मीठा इस वाक्य में मीठा क्या है, देखिए यह आम मीठा है इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है, तो देखिए विशेषण कैसा आम है, मीठा है, तो यहाँ पर विधेय विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विधेय की बात कर रहे हैं, कैसे विधेय की बात कर रहे हैं, वो मीठा है, इसलिए विधेय की बात कर रहे हैं। आगे पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव बताइए, पुष्प का तत्सम शब्द है पर तो हिंदी में तद्भव क्या होगा, तद्भव, तो पुष्प को हम हिंदी में या तद्भव में फूल कहते हैं, क्या कहते हैं, फूल कहते हैं। अगला शुद्ध बर्तनी कीजिए, इसके बाद वे लौट आए या इसके बाद वे वापस लौट आए, इसको शुद्ध करना है, तो इसके बाद वह वापस लौट आए या इसके बाद वह लौट आए वापस, इसके बाद वह वापस लौट आए, तो साथियों इसका पहला ऑप्शन आंसर सही होगा, इसके बाद भी लौट आए, क्योंकि वह इसके बाद लौटा, ये गलत हुआ, तो सभी ए सी बी सी डी सभी गलत हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें पैराग्राफ है, इसको आप छांट लेना है। अगली बात करेंगे क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्य में किस भाषा का प्रयोग होता है, साथियों राजकीय भाषा क्या है, उत्तर प्रदेश की हिंदी है, और दूसरी राजकीय भाषा क्या है, वो भाषा उर्दू है, जो 1989 में स्वीकार की थी उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला है, कहा बरखा जब कृषि वाणी तब कहा जात कोई, तो साथियों यहाँ पर जब हमें काम बिगड़ जाए, वह वस्तु जब काम आए तो वो कोई काम की चीज़ नहीं होगी, जब हमारा नुकसान हो चुका है, जब आए कोई चीज़ तो उससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला, तो समय को व्यर्थ गवा दिया जाता है, क्या कर देंगे, जब कोई समय को व्यर्थ गवा दिया जाता है, तो जब बरखा क्या सूखी, जब फसल सूखी और वर्षा हो रही तो उससे कोई फायदा नहीं है। आगे है तलवे चाड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए, तलवे चाड़ने का मतलब होता है कि चापलूसी करना, चापलूसी करना। वह हमें, अगला क्वेश्चन है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय बताइए, अव्यय मतलब अव्यय होता है साथियों हमेशा, अव्यय समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, ये सभी साथियों चार प्रकार के अव्यय होते हैं, तो हमेशा एक हम ये क्या होंगे साथियों, हमेशा एक अव्यय होगा। अगला, नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया हो गया, तो साथियों नीली कमीज में रेखांकित पद बताइए, तो जाकि ये कैसा कमीज वाला गया है, नीली कमीज, तो विशेषण उपवाक्य होगा, कैसा होगा, विशेषण की विशेषता की बात कर रहा है वो विशेषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सम उपसर्ग में म किस शब्द में सुनाई पड़ता है, सम उपसर्ग में म किस शब्द में सुनाई पड़ता है, तो सम सम संयम, संख्या या संवाद या संभावना, इसमें किस में पड़ता है, देखिए सही इसमें नहीं है, सम इसमें भी है, सम इसमें नहीं है, संग, तो साथियों इसमें सम बी ऑप्शन होगा, इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से खालिस्तान को भरिए भावाचक संख्या से पूरा कीजिए, इसको उसका सारा सौंदर्य उसकी वालों में है, आंखों में है, हंसी में है, मुखमंडल में, साथ ही उसकी सारा उसका सारा सौंदर्य उसकी आंखों में है, कहां पर है, आंखों में। अगला क्वेश्चन है, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद पर कारक बताइए, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, कैसी बात पर, यहाँ पर करण की बात हो रही है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो कानों सुनी किसी ने करण किया, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर करण तत्व समास होगा। अगला है, किस 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 से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित पद में संख्या बताइए, किस किस मतलब सर्वनाम की बात पर रही है, किस 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 संख्या सर्वनाम छह प्रकार के होते हैं, तो आप पढ़ोगे तो तब आपको पता चलेगी। अगला, वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई, रेखांकित बताइए पद, वहाँ क्रिया विशेषण हुआ, वहाँ कैसी दुर्घटना हुई, भयंकर हुई, क्रिया हुई, क्या हुई, क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, रेखांकित अंश में अलंकार बताइए, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, देखिए यहाँ पर रूपक अलंकार हो रहा है, रूप की बात हो रही है, बसंत में नाचा मेरा मन, तो यहाँ पर रूप की भावना जागृत हो रही है। अगला क्वेश्चन है, दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित में पद बताइए, देखिए दुबई किसकी बात कर रहा है, वो दुबई है बहुत सुंदर देश, तो यहाँ पर विधेय विशेषण होगा। तो साथियों इसी प्रकार हमने हिंदी के क्वेश्चन कराए आपको, आपको यदि मजेदारी के साथ क्वेश्चन अच्छे लगे, ऐसे क्वेश्चन पढ़ने के लिए, ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए साथियों वीडियो को दबाकर लाइक करें, यदि आप चैनल पर नए जुड़े दोस्तों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के माध्यम